आपको पता है ना अम्मी, जब भी मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होता था या कॉलेज का, तो आप मुझे अपने सीने से लगा कर मेरे माथे पे प्यार करती थी। मगर देखिए आज आप नहीं अम्मी, मैम आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आ जाइए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही। यासिर, आपको याद है ना आज हमने टीना की तरफ जाना, इसलिए प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। हाँ तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अब नहीं, आप ऐसा कीजिएगा मुझे क्लिनिक से ही पिक कर लीजिएगा, घर आके कहीं निकलने को दिल नहीं करता। As you wish, ma'am. अरे इफ्रा, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गुड, इसी तरह हंसती रहा करो, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। और हाँ एक मिनट, तुम ऐसा करो, हाँ ये रख लो। ये किस लिए है? अरे पॉकेट मनी समझ के रख लो, मैं कोमल को भी देती हूँ और तुम मेरे लिए बिल्कुल कोमल की तरह। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे अच्छा चलो, मान लिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम रख लो, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो खर्च कर लेना, और अगर बच जाए तो मुझे वापस कर देना। थैंक यू। और हाँ यासिर, आज ड्राइवर नहीं आया, आप ऐसा कीजिएगा इफ्रा को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं दूसरी गाड़ी लेके चली जाऊंगी। ठीक है? हाँ श्योर, मैं कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी मैं क्या करूं अगर वो नहीं बता रहा? तुम यासिर से बात करो, उन्हें बार बार कहो, अगर उन्होंने तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में नहीं बताया तो बेटा तुम्हारी उस घर में वो हैसियत ही नहीं होगी जो तुम्हारा जायज हक है। मुझे जो मिल रहा है ना वो मेरे लिए काफी। बेवकूफी की बातें मत करो, अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी बेटा। शोहर का साथ होना जो जमाने के सामने हो। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हें भी मेरी तरह पछताना पड़े। बस इतना ही चाहती हूं कि दुनिया को पता हो कि तुम यासिर की बीवी हो। शायद वो फिलहाल बताना नहीं चाहते। अगर वो नहीं बताना चाहते तो तुम जाके उसकी बीवी को बता दो कि तुम दोनों का निकाह हुआ हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो मैम की बुक लेने आई थी। Thank you.
क्या बात है इफ्रा? परेशान क्यों हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? अगर अम्मी याद आ रही हैं तो उन्हें फोन कर लो तुम। मैंने अभी अम्मी से बात की है। वो कहती हैं कि इस निकाह के बारे में सबको बता दो। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। तो फिर आप मुझे यहां क्यों लेकर आए? इसलिए कि मैं तुम्हें महफूज करना चाहता था। अम्मी कहती हैं कि बीवी का तहफ्फुज उसके शौहर के साथ होता है, वो साथ जो सबको बताओ। मैं नहीं बता सकता, तुम क्यों नहीं समझ पा रही? तो मैं बता देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? मैं खुद मौका देकर रोजीना और कोमल को बता दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन तो हो गए, आपने किसी को भी हमारे निकाह के बारे में नहीं बताया। आप अपनी फैमिली से झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलता। हाँ, वो सच छुपाया हुआ है मैंने। अभी सच छुपाना भी झूठ होता है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, समझ नहीं आ रही तुम्हें? यासिर, क्या हो गया आपको? आप इफ्रा को इस तरह क्यों डांट रहे हैं? तुम कब आई? मुझे तो अभी डॉक्टर यास्मीन ने ड्रॉप किया है, लेकिन आप इफ्रा को क्यों डांट रहे थे? वो आप देखो ना, कुछ खाती पीती नहीं, इस घर को अपना घर नहीं समझती। बस मैं गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारा अपना घर है, जो दिल चाहे किया करो, जस्ट फील फ्री। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इफ्रा को भी एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों इफ्रा? अम्मी कहती हैं कि बीवी का तहफ्फुज उसके शौहर के साथ होता है, वो साथ जो सबको बताओ। मैं नहीं बता सकता, तुम क्यों नहीं समझ पा रही? तो मैं बता देती हूँ। क्या बात है यासिर, आप सोए नहीं? क्या हुआ यासिर? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। नहीं, मैं नहीं मान सकती। आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि आप कुछ ज्यादा परेशान हैं। क्या परेशानी है यासिर आपको? आप तो मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन अब क्या हो गया आपको? कम ऑन रोजीना, कोई खास बात नहीं है, बस ऑफिस की टेंशन है। वो कुछ वेंडर्स हैं, बस वो तंग कर रहे हैं। That's it, nothing serious. बिल्कुल नहीं। जहां तक मैं यासिर को जानती हूँ, वो इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं हो सकता। कोई बड़ी परेशानी है आपके साथ। वो अलग बात है कि तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो क्यों ना हो मुझे ज्यादा परेशानी? आखिर आपकी इकलौती बीवी हूँ, और किसे होगी? अच्छा चलो, सो जाओ शाबाश, बहुत देर हो गई है। आप जागते रहे और मैं सो जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा चलो, मैं भी सो जाता हूँ। खुश? हाँ। पापा वैसे बहुत चुप रहती है फिर, मैंने कई बार ये बात नोटिस की है। हाँ, मैंने भी देखा है उस लड़की को। वैसे है तो कोमल की हम उम्र। नहीं नहीं, लेकिन कोमल से बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो तमाम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। उसमें बाकी लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं। अच्छा, फिर कैसी बात है उसमें?
पता नहीं, लेकिन कोई तो बात है उसमें जो उसको बहुत खास बनाती। वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, ना वो उनकी तरह हंसती है ना उनकी तरह बोलती है, दुनिया से ही अलग है जैसे। हाँ, होते हैं ऐसे कुछ लोग, कम बोलते हैं, सबसे अलग थलग, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। अच्छा, लगता है तुमने बड़े गौर से देखा है उसको। नहीं नहीं, मेरी तो बस आते जाते नजर पड़ जाती है उसमें। वैसे तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ऐसी यासिर, कितने सालों से हमारी एक ही रूटीन है ना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कुछ हॉलीडेज लेके कहीं घूमने फिरने जाएं, यूरोप टूर पे चलते हैं। भाई अभी नहीं जा सकते, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कोमल की शादी सर पर है। एक दफे जिम्मेदारी से फारग हो जाए फिर जहाँ कहोगी चलेंगे। हमें इफ्रा की शादी भी तो करनी है, अब इफ्रा भी तो हमारी जिम्मेदारी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हम घूमने फिरने जाते हैं, फिर आके दोनों बच्चियों की एक साथ शादी कर देंगे। अभी वैसे भी तो दोनों पढ़ रही हैं ना, और वैसे बाद में हम दोनों के पास कुछ खरीदने को होगा भी तो नहीं। ऐसा करेंगे, हम फिर से अपनी शादी करेंगे, सारी रस्में नई होंगी, सब कुछ नया होगा, बस दूल्हा दुल्हन पुराने होंगे। वेरी फनी। वैसे बाय द वे इतना पुराना नहीं हूं जितना तुम समझती हो। अच्छा जी, इतने अरसे से तो आप मेरे साथ हैं। आपको क्या लगता है, इन्होंने आपको बहुत खुश रखा हुआ है? इन्होंने आपसे वो सच छुपाया हुआ है जिसका आपको पता चले ना तो आपकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूं और मैं आपको सच बताती हूं। इफ्रा, चुप हो जाओ तुम। क्यों चुप हो जाओ? मैंने आपको कहा था ना कि आप बताते हैं, और ये भी कहा था कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम कुछ नहीं बताओगी। यासिर, आखिर ये हो क्या रहा है, बात क्या है? मैं आपको बताती हूं, इन्होंने मुझसे निकाह किया है। यासिर, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरे इफ्रा, तुम वहां क्यों खड़ी हो, आओ। वो मुझे चार्जर चाहिए। अच्छा, एक मिनट। ये लो। तुम रेडी हो? जी। यासिर, आप जाते हुए इफ्रा को कॉलेज ड्रॉप कर दीजिएगा। चलो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, अपने करियर पर। इधर उधर की फालतू बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कितनी दफा समझा चुका हूं तुम्हें, क्यों परेशान करती हो तुम? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। चलो आप। वैसे मेरे साथ खेल खेल के प्लेयर अच्छी बन गई हो तुम। जी नहीं, मैं पहले से ही तुमसे ज्यादा अच्छा खेलती हूँ। बल्कि तुम ये कहो कि तुम्हें मेरे साथ खेलने का मौका मिल रहा है। ये तुम लड़कियों को खुशफहमी किस चीज की होती है समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि तुम लड़कों को हमेशा गलतफहमी होती है।
क्या हुआ? रुक क्यों गए? पानी, पानी पिलाओ। अच्छा, मैं अभी डॉली को आवाज देती हूँ। डॉली, डॉली को तुमने पहले भी आवाज लगाई थी यार, नहीं लेकर आई पानी, तुम खुद ले आओ ना जाके, मौत थोड़ी आ जाएगी तुम्हें। अच्छा ना, मैं खुद ही जाती हूँ। खेलना आता है आपको? मैं सिखा सकता हूँ आपको। वैसे कोमल को भी मैंने सिखाया, देखें कितना अच्छा खेलती है वो। मानती नहीं है लेकिन वो, मगर आप मुझे ऐसी नहीं लगती। कैसी? नहीं, मेरा मतलब है कोमल जैसी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है आप। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं समझता था लड़की एक जैसी होती है, लेकिन आपने मेरी राय बदल दी, आप काफी डिफरेंट है, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगती है। आई मीन, आपके अंदर एक मासूमियत है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं? Yes, come in. कोमल, मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे ये सवाल समझा दो कि कॉलेज में एडमिशन हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा हर वक्त पढ़ता रहे, और हर वक्त पढ़ने से वैसे भी दिमाग कमजोर हो जाता है, बंदा किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, और तुमसे ये किसने कहा? ये मेरी अपनी रिसर्च है। तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, ये देखो मेरी फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग पिक्स, कितनी प्यारी लग रही है ना ये। इफ्रा, मुझे क्या देख रही हो, इधर देखो ना। अच्छी है। अच्छी है? बहुत अच्छी है। ब्राइडल ड्रेस देखो, कितना हसीन लग रहा है भाई। मैं तो ऐसे ही पहनूंगी, तुम बताओ तुम शादी में कैसा पहनोगी? किसकी शादी में? अरे यार, अपनी शादी में। तुम्हारी अपनी शादी को लेकर कोई तो प्लानिंग्स होंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, हम बहुत एंजॉय करेंगे, वो बहुत स्मार्ट होगा और मेरी तरह बहुत बोलता होगा, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी होंगे। अब तुम बताओ तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा? हम शायद उनकी एज मुझसे ज्यादा हो, मे बी लेट 40s। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे डैड की उम्र के आदमी से शादी करोगी? बेवकूफ, लाइफ पार्टनर हमेशा हम उम्र होना चाहिए, जब ही तो दोस्ती होगी। अगर किसी बुढ़े इंसान से करोगी ना तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। वैसे इफ्रा, तुम बहुत बोर हो, तुम्हारी पसंद भी बहुत बेकार है। ये मेरी पसंद नहीं है। पागल हो, ऐसा कोई लड़की सोचती है क्या? मैं मामा से कहूंगी कि इफ्रा के लिए लड़का हम खुद देखेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं, अच्छा सोचा करो, अच्छा ही होगा। और मामा ठीक कहती हैं, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, पागल। सब छोड़ो, ये देखो मेरी कॉलेज की लड़कियों की तस्वीर है, कितनी सारी लड़कियां हैं मेरे ग्रुप में। ये देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इसमें। कोमल प्लीज, मैं नहीं जा रही। कोमल तुम चली जाओ ना अकेली, प्लीज समझो ना। इफ्रा, मुझे अगर अकेले ही जाना होता तो मैं तुम्हें इतना फोर्स नहीं करती। मैं नहीं जानती तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब बहाने मत करो प्लीज। क्या बात है कोमल, तुम इफ्रा को इस तरह क्यों खींच रही हो?
मामा देखे ना, ये मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा रही है। मैं कब से कह रही हूँ उसे। अरे भाई, अगर इफ्रा का दिल नहीं चाह रहा जाने का, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं इसके साथ? इसका दिल तो कभी बाहर जाने के लिए नहीं करता मामा, ये बहुत बोर है। तुम चली जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चली चलूंगी। इफ्रा, तुम्हारा फिर कभी कभी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ तुम क्यों नहीं जा रही, ये बताओ। देखा मामा आपने, इसके पास कोई रीजन नहीं है नहीं जाने का। भाई ये आप दोनों दोस्तों का मामला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। डैड, अब आप ही इफ्रा से कहिए ना, ये तो आपकी कजन है, आपकी बात मान लेगी। तो इफ्रा तुम भी चली जाओ, अपने लिए शॉपिंग कर लेना कुछ। जी ठीक है। वाओ डैड, क्या बात है आपकी। चलो हम जल्दी से चलते हैं। इस लड़की को तो अल्लाह समझाए। कोमल यहाँ पर भी नहीं है। तुम रुको, मैं अभी देखकर आती हूँ शॉप। अब ये कहाँ चली गई? मैं फोन करती हूँ। फोन तो तुम घर पे ही भूल गए, कॉल कैसे करूँ? अभी इफ्रा कहाँ गई? कहीं ऐसे तो नहीं वो घर चली गई? मामू को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो मामा, इफ्रा आई है घर पे? हेलो कोमल, क्या कह रही हो आप? मामा इफ्रा आई है क्या? कोमल मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं जरा बाहर जाके बात करती हूँ, रुको एक मिनट। हेलो मामा। कोमल बोल क्यों नहीं रही बेटा, आवाज आ रही है, बोलिए। ओह बैटरी डेड हो गई। स्विच ऑफ। आज का खाना आज की तारीख में मुश्किल ही लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे अरे शामिर, सिर्फ 10 मिनट और प्लीज। और तुम तो ऐसे शोर कर रहे हो जैसे छोटे बच्चे हो। कोमल भी बिल्कुल इसी तरह करती है, उसे भी जो चीज चाहिए होती है फौरन देनी होती है। वैसे घड़ी कौन सी पहनती है? क्यों? क्योंकि मेरी घड़ी में 1 घंटा हो चुका है और आपकी घड़ी में 10 मिनट नहीं हो रहे। कहाँ है इफ्रा? इस इफ्रा की बच्ची ने मुझे ख्वार करवा दिया। क्या मतलब कहाँ है इफ्रा? आपके साथ गई थी ना इफ्रा? इफ्रा घर नहीं आई क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई अभी तक। फिर आपने मुझे क्यों कहा कि इफ्रा आ गई है? मैंने कब कहा आपसे? मामा मैंने आपको जब कॉल की थी आपने मुझे खुद कहा था कि इफ्रा आ गई है। अरे हाँ आपसे मेरी बात हुई थी लेकिन आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी और आपने फिर फोन बंद कर दिया था। कोमल इफ्रा कहाँ है? कोमल मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मामा मैं अपनी ड्रेस की शॉप पर भूल गई थी, जब मैं वापस वहां गई तो इफ्रा वहां नहीं थी। और मैं समझी कि वो घर आ गई है। कोमल वो घर कैसे आ सकती है, उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता। कहाँ छोड़ आई उसे? आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। तुम्हारे काम भी अजीब निराले हैं, कहाँ गए थे तुम लोग? नेशनल मॉल गए थे। हटो। क्या कोमल आप एक काम भी सही तरह नहीं कर सकती? अच्छा बैठो आके आराम से। मामा पता नहीं इफ्रा कहाँ होगी। शामिर गया ना, देख लेगा। Thank you.
तुम यहां बैठी हुई हो? तुम्हें अंदाजा भी हम कितना परेशान हो रहे थे जब कोमल ने तुम्हें बोला था वहां से नहीं हिलो, क्यों ली तुम? अब चलो उठाओ बैग। जी आंटी, नहीं नहीं आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इफ्रा को लेकर आ रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक है। ओके सॉरी यार, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, मैं बहुत परेशान हो गया था, उसके गुस्सा आ गया। परेशान तो सिर्फ आप ही हो रहे थे, मैं तो परेशान हो नहीं रही। आपको क्या पता कि मेरी क्या हालत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कोमल को बहुत ढूंढा और जब ढूंढ ढूंढ के थक गई तो बेंच पर आके बैठ गई, और आपको लगा कि मैं आराम कर रही। अगर थोड़ी देर और आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं बहुत डर गई थी, मगर आपने तो मेरी बात सुनी ही कब, आते के साथ मुझे डांटना शुरू कर दिया। आप हंसो, मैं कोई मजाक कर रही हूँ? अच्छा अच्छा नहीं मुस्कुरा रहा आप ही। अच्छा चलो प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हारी डांट दोस्ती कर लेता। वैसे दोस्ती के लिए हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। आपने तो आज मेरी जान निकाल दी थी कोमल, आपसे मुझे इस लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बस भी कर दो, कितना डांटोगी तुम? यासिर, इसने गलती ऐसी की है, आप तो शुक्र अदा करें कि इफ्रा मिल गई, वरना हम इसकी मां को क्या जवाब देते? मिलना तो इसको था मामा, मिलती नहीं तो कहां जाती? अब बिला वजह परेशान हो गए, और आजकल तो बच्चे भी नहीं खोते हैं मामा, ये बेवकूफ खो गई। ये आपकी तरह नहीं है कोमल, इसे इस शहर के रास्ते बिल्कुल नहीं पता, इसलिए आप आज के बाद इफ्रा को कहीं नहीं लेके जाएंगी। क्या हो गया है मामा, फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ है, प्लीज अब ऐसा नहीं होगा। वो कोमल की कोई गलती नहीं है, मैं ही वहां से चली गई थी। देखे ना मामा, आप बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। चुप रहिए आप, ये तो इफ्रा की शराफत है जो ये ऐसा कह रही है। और अब तुम क्यों रो रही हो? लड़कियों को तो बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं डर गई थी। क्यों डर गई थी? यहां कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, आंसू तो उसकी पलकों पर रखे रहते। देखिए फौरन रो पड़ी। क्या हुआ इफ्रा? मुझे अम्मी की याद आ रही है। तो मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूं, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुम उससे शेयर कर सकती हो। शामी जी, मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम समझाओ ना। कोमल, कितनी दफा समझाऊं तुम्हें, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ध्यान कहां है तुम्हारा? तुम पर होता है ना, इंटेलिजेंट तो तुम हो, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो बिलीव मी तुम टॉप करोगी। डैड भी यही कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। चलो ना, डिनर बाहर करते हैं। वाह वाह वाह, कल तुम्हारा टेस्ट है और आज तुम डिनर पे जाने की बात कर रही हो, वेरी गुड। मेरा टेस्ट है ना, तुम्हारा थोड़ी है, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
चलो ना आप। हाँ ठीक है, चलते हैं। इफ्रा तुम भी चलो ना हमारे साथ। हाँ हाँ इफ्रा तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। नहीं कोमल तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कोमल कैसी दोस्त है तुम्हारी, तुम्हारी बात ही नहीं मानती है। वैसे तुम्हारी सिर्फ मैं ही सुनता हूँ, और तो कोई बात नहीं मानता तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है, और इफ्रा तुम्हें हमारे साथ चलना है, सुन लो तुम। कोमल मैं नहीं जाऊंगी। देखा मैंने कहा था नहीं जाएगी। शामिल तुम चुप करो, और इफ्रा तुम अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो ये मुझे हमेशा ताने देता रहेगा। तुम हमारे साथ चल रही हो। ये नहीं जाएगी मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना जाएगी। नहीं जाएगी। जाएगी और तुम चलोगी इफ्रा हमारे साथ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है मैं चल रही हूँ। देखा मैं जीत गई, अब चले हम। चलो। वैसे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, चाइनीज इटालियन देसी, तो आप देख के बता दें आप क्या खाएंगे। कुछ भी नहीं, नहीं नहीं एक्चुअली कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, आपने जो खाना है वो बताइए। बिरयानी वगैरह मंगवा लें, मेरे लिए चाइनीज। अच्छा एक्सक्यूज मी, या थैंक यू। अच्छा ऐसे करिएगा, दो चिकन मंचूरियन लेंगे। क्या बात है, किससे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें हो रही हैं? किसी से बातें नहीं कर रही, बल्कि सोच रही हूं कि हमने कितनी हैप्पी मैरिज लाइफ गुजारी है ना, हमारी कोमल भी ऐसी जिंदगी गुजारेगी इंशाल्लाह। क्यों यासर, मैंने क्या गलत कहा है? क्या हमारी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं है? अभी तक तो है, मगर मगर क्या? कुछ नहीं। नहीं यासिर, कोई बात तो है, वरना आपने इस तरह क्यों कहा? मेरा मतलब है कि हमें अपने फ्यूचर का कहां पता होता है, जिंदगी किस मोड़ पर ले आए कुछ पता नहीं। बाय द वे ये सारे मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, लास्ट टाइम ट्रिप पे गए थे, तो कैसी हैं? खाना ठंडा हो रहा है शामिर। हाँ हाँ तुम खाओ, आप खाए ना, ये बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं रहने दे, मैं ले लूंगी। वैसे आप घर पे भी इसी तरह तकलीफ करती हैं? अब आई एम श्योर आप खुद तो लेंगे नहीं, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप खाएं। घर चलो, घर चलो शामिर। क्यों क्या हो गया? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अभी घर जाना है। अच्छा लेकिन खाना तो खा लो कोमल। मुझे कुछ नहीं खाना और मुझे अभी घर जाना है। अरे क्या हो गया कोमल, मैं कोई गोली मंगवा देता हूँ, तुम खाओ तो सही पहले। मैं गाड़ी में जा रही हूँ और तुम्हें जब आना हो आ जाओ। अब कोमल मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा दो मिनट तो रुको, बिल तो दूं मैं यार। भाई मैं तो अपने फ्यूचर से बहुत मुतमईन हूँ, और कोमल की तरफ से शामिर को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है, लड़ते झगड़ते हैं लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में हस्बैंड एंड वाइफ को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, दोस्तों की तरह। अरे वाह, तुमने तो उसका पूरा फ्यूचर प्लान किया हुआ है, कभी उससे पूछा भी है? मुझे कोमल से पूछने की जरूरत नहीं है यासिर, माँ अपनी औलाद के दिल के अंदर की बात तक देख लेती है, सब समझ जाती है, और कोमल के दिल में मुझे शामिर नजर आता है। और मेरे दिल में फरेब। यासिर ये फरेब नहीं है तो और क्या है?
जिंदगी के कई साल मैंने आपकी इस मोहब्बत के फ्रेम में गुजार दिए और चाहती हूं कि अपनी बाकी तमाम जिंदगी इसी फ्रेम में इसी तरह गुजार दूं। शामिर, मैं तो बिला वजह परेशान हो रही थी। पागल। हेलो। हाँ, नाराज हो? अगर हाँ बोलूं तो मैं तुम्हें मना लूंगा, और अगर ना बोलूं तो तुम मुझे मना लेना। वैसे बहुत गलत किया तुमने, खाना भी नहीं खाने दिया तुमने मुझे। सही चुड़ैल हो अल्लाह की कसम। शामिर,